गुड मॉर्निंग जिम फ्रीक, स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में। 75 हार्ड चैलेंज के 16वें दिन पे आपका स्वागत है। आप डेली व्लॉग्स देख रहे हो कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बता देना, हाँ या ना हमें जवाब दे देना, और कैसे लग रहे हैं व्लॉग वो भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो चलो फिर अभी हम वर्कआउट्स के साथ चालू करते हैं आज का दिन। चाची देखो खाना कर रहे, चला रहे। गाइस इसको पहले खाना खिला देते अपन। ओके रुक जा भाई, आ जाएगा बोल। ले पकड़, रुक जा 2 मिनट। हाँ खा ले। सही यार, बिल्लियों की जिंदगी, जो चाहिए वो खाओ, मन पसंद की चीज है ना, रोज एक ही खाता है बेचारा। तो चलो अभी वर्कआउट करता हूँ। तो गाइस कैसी लगी आपको एक्सरसाइज? अच्छी तो लगनी चाहिए वैसे, रोज का है आपका, आप भी रोज देखते हो। और गाइस एक महीने पहले ना डैड को कुत्ता काटा था, तो उसी के लिए जा रहा हूँ मैं इंजेक्शन लेने के लिए। आपका वही नहा धो के हो गया एकदम फ्रेश। अब चलते हैं अपन डैड के साथ, तो आप भी आना व्लॉग के थ्रू और व्लॉग को देखते रहना एंड तक। ओके चलो गाइस, बाय बाय। समय हो गया तैयार, और बाहर जाने से पहले मम्मी ने थोड़े अंडे बॉइल किए थे, तो अभी मेरे को खिला रही है मेरी माँ। दूसरा भी खिला लो। सो गाइस खा लिया मैंने अंडा, और बाहर जाने को जैसे ही रेडी हो जाते ना हम, ले जाओ दीदी आपको है ना, नसीब देख रहे हो यार। ये बारिश है ना, जब भी हमें बाहर जाना होता है ना, किसी के साथ भी होता है ये, नहीं मेरे साथ, मतलब मेरे साथ तो होता ही है बट बाकियों के साथ भी होता है, कि जब भी बाहर जाना होता है ना बारिश आती है, और जब घर पे बैठना होता है ना आसमान पूरा साफ, धूप वूप आ रही है खिड़की से भाई, एकदम सुबह सुबह उठा दिया, ये सारी चीज़ें। तो यार नेचर को हैक्स ऑफ है मेरी तरफ से, जितना देता है ना उतना उखाड़ता भी है। तो चलो गाइस अभी क्या, आप कोई ऑप्शन नहीं, अब मैं टू व्हीलर पे जा रहा था, कोई ऑप्शन नहीं, अब कार लेके जाओ है ना। तो चलो गाइस मैं निकलता हूँ, अपनी फरारी निकालनी पड़ेगी अभी मुझे, तो चलो। सो गाइस मैं निकल गया, बारिश, एक सेकंड गाइस कार में बैठने तो मेरे को भाई, फोन पे बारिश, हर जगह बारिश ही बारिश। आपके यहाँ पे हवामान तापमान क्या कहता है? ओके बारिश हो रही है नहीं हो रही है? एक सेकंड मेरे को फोन पूछने दो। पीछे पापा गेट खोल रहे हैं, नहीं दिखेगा, मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ। ओके मैं गाड़ी अभी चला रहा हूँ, तो अभी मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, तो मैं अभी डायरेक्टली आपको मिलता हूँ जहाँ पे मैं जा रहा हूँ इंजेक्शन लेने के लिए कुत्ते के। मैं नहीं ले रहा, पापा ले रहे हैं। हाँ पता चला आपने सोच लिया मुझे इंजेक्शन पड़ रहा है, ऐसा कौन सा कुत्ता कटवा लिया मैंने।
तो हम पहुंच गए यहाँ पे, पापा को भेज दिया मैंने इंजेक्शन लेने के लिए। और कौन सा हॉस्पिटल है ये, खड़की में है ये, इतना पता है मुझे। और कुत्ता बिल्ली जो भी काटे आपको, यहाँ आ जाओ और इंजेक्शन ले लो, दूसरे दिन उछलने लग जाओगे तुम। मैं आ गया घर पे, बारिश अभी तक रुकी नहीं, पता नहीं क्यों, पर बारिश का अलग ही सीन चल रहा है। अभी हम लोगों ने लाए हैं प्रॉन्स, जिसको मराठी में कोल भी बोलते हैं। तो आज मेरी मॉम बनाएगी कोल भी, तो लेट्स सी कैसे बनाती है, रेसिपी का भी ब्लॉग डालूंगा आज मैं। ओके, तो चैनल पे बने रहो। सो गाइस, 75 हार्ट तो चालू रहेगा ही, साथ में मैंने आपको बोला था कि जो प्रॉन्स लाए हैं तो उसका जो ग्रेवी बनने वाला है तो उसका भी मैं रेसिपी में दिखाने वाला हूँ 75 हार्ट में। तो चलो, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगने वाले हैं वो देखते हैं। मम्मी ने सजा के रखे एकदम मस्त, तो चलो देखते हैं। तो ये रहे इंग्रेडिएंट्स, तो ये है प्याज जो कि 5-6 कटे हुए हैं, मम्मी ने काटे हैं। और फिर उसके बाद ये है कोकोनट, जिसको जो अपन बोलते हैं ना, इसको किसते हैं, तो वो है वो। फिर उसके बाद है काजू, और फिर ये 2 चम्मच जीरा है, फिर 2 चम्मच तिल है, और तिल आपको पता होगा, ये धना है 2 चम्मच, ये 2 चम्मच बड़ी शॉप है। ओके, ये है खसखस, वो भी 2 चम्मच है, और ये 1/2 चम्मच कस्तूरी मेथी जो फ्लेवर्स है ना उसके लिए, एंड ये लहसुन है। तो आप आपके हिसाब से ऐसे ले सकते हो, ये अदरक लहसुन की पेस्ट है, तो आपके हिसाब से ऐसे ले सकते हो आप। और ये सब मिक्स होके मिक्सर में जाएगा, और फिर उसका मतलब मस्त एकदम मसाला तैयार होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं, आपको देखते हैं क्या बना रही है मम्मी। तो लेट्स गो, मम्मी ने प्रोसेस स्टार्ट कर दी, और 75 हार्ड में ये सारी चीज़ें भी हो रही है, बिकॉज मैं इसके अलग से व्लॉग बनाऊंगा, तो मुझे 2 या 3 तरीके के व्लॉग्स बनाने पड़ेंगे, तो मैं एक ही व्लॉग में कंबाइन कर रहा हूँ। जब 75 हार्ड ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ऐसे व्लॉग्स तो आएंगे, जितना आप डिमांड दोगे उस हिसाब से ऐसे व्लॉग्स आएंगे। तो मम्मी स्टार्ट करिए मिट्टी के बर्तन में। तो क्या होता है कि मिट्टी के बर्तन में ना जब खाना बनाते तो फ्लेवर्स बहुत अच्छे आते हैं, और सेहत के लिए भी अच्छा रहता है और टेस्टी भी लगता है। तो अभी मम्मी पोर कर रही है ऑयल 1 चम्मच, आप जितना हिसाब का आप ऑयल खाते हो उतना लो, बिकॉज़ कैसा हम कम खाते हैं ऑयल, बिकॉज़ अपना मेडिकल इशू के कारण घर वालों का। तो अगर आपको डालना है ज़्यादा ऑयल, क्योंकि ज़्यादा ऑयल से टेस्ट भी अच्छा आता है, तो अगर आपको डालना है ज़्यादा ऑयल तो आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अभी मम्मी ने स्टार्ट कर दिया है, तो देखते हैं अभी क्या क्या डाल रही है मेरी मम्मी। तो पहले मम्मी ने डाला जीरा। ओके, अभी ऑयल मस्त एकदम, पहले तो इसको गर्म होने दिया, फिर उसके बाद ऑयल डाला, और अभी जीरा डाल दिया मम्मी ने। अभी क्या डाल रही है, ये बड़ी शॉप डाल रही है अभी। ओके, आपको ये सब चीज़ें तो आपके घर पे अवेलेबल ही होगी, और हो जाएगा सब कुछ, आप दुकान में जाकर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। काजू बड़े मस्त लग रहा है, मैं खा लेता हूँ, मैं ऐसे ही ख़त्म कर दूँगा, मैं जल्दी हो रहा हूँ, मेरे को ना भूख लगी मुझे। अभी अभी डाल रही है धना। तो धना आपको अगर पता नहीं होगा तो जो धनिया के सीड्स होते हैं ना उसको कहते हैं। ओके, आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, हाँ आपको तो मालूम होगा, मुझे ही पता नहीं था फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखो भाई, ये क्या है, ये तिल है, तो ये भी डाल दिया मम्मी ने, बहुत भयंकर वाला मसाला बना रही हूँ मम्मी, ऐसे खाते ही हाँ वो आवाज़ निकलेगा मुझसे। ये लो गाइस, चालू हो गया मिक्सिंग। ओके, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स तो इसके अंदर चले जाएंगे, और मस्त एकदम ये हो जाएंगे, वो अच्छे से एकदम ना पक जाएंगे। अभी और क्या डाल रही है मम्मी, तिल डाल रही है, तिल तो डाला था, अच्छा सॉरी, ये खसखस है, अभी तो खसखस डाल रही है, तो गलती से मिस्टेक हो गया मेरे से ना, अभी खसखस डाल रही है मेरी मम्मी। तो गाइज, मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चन रहेगा ना कि मम्मी क्यों नहीं आ रही कैमरे में, तो मम्मी है कैमरा शाय, वो नहीं चाहती कि वो कभी कैमरा में आए, तो वही सब है।
फिर इसलिए फिर मम्मी को मैं नहीं देता, नहीं तो वो क्या है ना वीडियो वापस बनानी पड़ेगी मेरे को इतनी, तो मेहनत बर्बाद चली जाती है मेरी हर बार की, तो इसलिए मम्मी को लो ही मत। चलो अभी टाइम आ चुकी हो बेचारे प्याज की, 5-6 प्याज कटे मेरे सामने, बहुत बुरा लगा, मेरा तो रोना स्टार्ट हो गया था, बट ठीक है। तो अभी ये डालो प्याज, अब देखते हैं, चलो करो। अभी क्या कर रहे हो, होने दो इसको, और उसके बाद से ये डालना लो मम्मी आप सभी। हाँ, बाद में डालोगे, इसके बाद ही डालोगे ना ये पकने के बाद? हाँ। अब भी डालोगे? नहीं नहीं। तो ठीक है इसको पकने दो, तब तक कैमरा को भी रेस्ट दे देता हूँ मैं। चलो भाई, खुशबू तो अभी से ही अच्छी आने लग गई। और अगर आपको लग रहा होगा ना कि मेरी मम्मी इसको ऐसे टच कैसे कर रही है, तो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना वो ऊपर से इधर से बॉर्डर से ना गर्म नहीं होते, तो इनका ये भी फ़ायदा है कि आपका अगर कुछ खो जाए, जैसे आपका वो पकड़ वगैरह होता है ना पकड़ने का, वो खो जाए तो फिर मिट्टी के बर्तन खरीद लो तुम, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो सही है, करते रहो, मस्त एकदम बन रहा है यार, खुशबू तो तगड़ी आ रही है। और आप जब बनाओगे ना इसको, इतने प्रोसेस में ही आपको पता लग जाएगा कि खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। तो अभी और कुछ डालना लो, अभी किसकी बारी है? अभी गार्लिक एंड इसकी क्या बोलते हैं इसको, हाँ अदरक और लहसुन की पेस्ट आ रही है, उसको क्या बोलते हैं, हाँ गार्लिक जिंजर की पेस्ट आ रही है यार, मुंह से शब्द नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। काजू खत्म कर, काजू था मेरे मुंह में, इसलिए काजू के ऊपर ज्यादा ध्यान, अरे काजू था मुंह में इसलिए वो जिंजर नहीं निकला। उससे मत खाना, तू है घर में पड़ा है तो वो खा लेना, वो किस लिए खा रहे थे। गाइस मैं वीडियो बंद कर रहा हूं, डांट पड़ गई, डांट नहीं है, खाना है खा ले, उसमें से मत उठा, ठीक है चलेगा, नहीं खाता, एक खाता हूँ बस, खाकेगा के बहुत कम किया तूने। तो गाइस अगर आपके घर पे भी ऐसे शैतान बच्चे होंगे ना जो आपका काजू खा रहे हैं, तो उनको रेसिपी के टाइम पे मत बुलाया करो, ओके, पूरा काजू खत्म कर देंगे तुम्हारा। अभी अभी क्या वो चला गया लहसुन का, अदरक लहसुन का है, ओके बराबर है, टेस्ट नहीं आएगा, वाला फ्लेवर आएगा उसमें। अब इसको गर्म क्यों डालते, गर्म नहीं डालते पागल, गर्म कभी डालते है क्या मिक्सी में, खराब हो जाएगा मिक्सर को, मिक्सर को दर्द होगा इसलिए नहीं डालते, मुझे पता होगा। ये बन रहा है अभी, तो ये दो बच्चे हैं, इसके ये जो है इसको भी, इसको क्या इसको काट के डालोगे, ऐसे काट के नहीं, अभी वो मिक्सी में पिसने वाला है, वो तूने कितना कम किया, ठीक है ना, बहुत है क्या, बहुत है, सबके एक हिस्से में एक एक काजू चले जाएगा, इतना है अपन है ही, कितना है, चार जन ही तो रहते हैं, कितना कम किया तूने, मेरे को डालना पड़ेगा। चलो मम्मी ला रही है काजू, मेरे लिए भी ला दो, देखो गाइस 75 हार्ड चैलेंज की डाइट चल रही है मेरी, ड्राई फ्रूट्स खा रहा हूँ, काजू से दिमाग नहीं बढ़ता क्या मम्मी? काजू से नहीं है, बादाम से बढ़ता है, मेरे को काजू से बढ़ता है मेरा दिमाग। गाइस अभी खा लिया काजू जा रहा है, और मुझे फ़ोन आ गया था, मेरा ना पार्सल आया एक्चुअली, तो वो लेने जा रहा हूँ मैं, तो आपको मिलता हूँ मैं, ये दो मम्मी मत डालना, मैं पार्सल लेके आ गया फटाक से, तो वेट करो गाइस, पार्सल भी दिखा दो आपको क्या आया। भाई मेरा ना पार्सल आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ क्या पार्सल है, तो रुको, और डिलीवरी बॉय आया, पता नहीं कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा उसको। और कैसा लग रहा है व्लॉग, रेसिपी व्लॉग प्लस 75 हार्ट व्लॉग, एकदम ज़बरदस्त है ना, ऐसी देखो संडे को ना ये सब आपको मिलेगा,
क्योंकि संडे को जिम बंद होता है, मेरे पास कोई काम नहीं रहता, तो ये सारी चीज़ें तो होगी। तो होपफुली आपको व्लॉग में वो रहा पार्सल वाला, होपफुली आपको व्लॉग बहुत पसंद आ रहा है, तो लाइक करके ही जाना। मैं आया पार्सल लेके फटाक से, तो अपना आया पार्सल ले लिया मैंने। तो ये पार्सल में है एक चीज़, मैं आपको दिखाता हूँ जब ये ओपन करूँगा ना, मैं आपको दिखाऊँगा, यही व्लॉग में दिखाऊँगा मैं। ओके तो चलो गाइस वापस अपन अपना कंटिन्यू करते हैं जो चीज़ पे हम अटके हुए थे। तो ये दो इंग्रेडिएंट्स मेरे कहने पे मम्मी ने नहीं डाले, तो वैसे डालना था या रुक नहीं, सकते नहीं, रुक के नहीं डालना था। ओके ठीक है फिर, ओके। तो अब जाओ पापा यहाँ से, हंसो मत यहाँ पे आके। ये देखो मेरे पापा कितने खुश है, डालना था, ऑर्डर आ गया ना अभी उनके पास, ले लिया उन्होंने। रुको उसको खोलो मत, मुझे खोलना था। हाँ अभी नहीं, थोड़ी देर में खोलूंगा। आप हाँ ठीक है खोल लो आप, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, आप करो क्या करना है आपको। तो अब बारी है इसकी, किसकी, कोकोनट की। तो अभी कोकोनट को तो मम्मी ने डाल दिया, और फिर इसको डालना है। मैं डाल दूँ इसको? नहीं नहीं ये बाद में डाल। यार बड़ी जल्दी हो रही है मुझे, अभी नहीं डालने का ये, अभी ठंडा होने के बाद तड़का लगाएंगे ना इसको हम। ओके इसको पीस के। एक तरफ एक शेफ बनी हुई है, दूसरी तरफ मेरे पापा अनबॉक्सर बने हुए, अलग ही चल रहा है, और मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। काम कर रहा हूँ। हाँ बोलो ना क्या। इंतजार में दिखेगा। दिखी जाना क्यों? जाओ बस जा क्या हो? ऐसे ही घूम क्या हो? ये अलग है लोग, घर वालों के घर, मेरे घर वाले अलग है। अच्छा चिका खाना है। तो गाइस अगर आपको चिका नहीं पता, तो चिका होता है गाय का, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका जो दूध निकलता है ना पहला दूध, तो उसे बोलते हैं चिका। तो उसकी भी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट कर देना, उसकी भी रेसिपी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आता। ये देखो क्या अनबॉक्सिंग चल रही है, अब तक नहीं खुला, यहाँ पर बन गया मसाला। चलो तो अभी अभी इसको मिक्सी में डालोगे ठंडा? नहीं अभी नहीं, ठंडा होने के बाद। ओके तो अभी मैं वीडियो को पॉज ले लेता हूँ, और हम देखते हैं कि इसमें क्या है, अनबॉक्सिंग करते हैं उसकी। चलो पापा ने कर दी अनबॉक्सिंग, और उसमें से निकला ये ट्रिमर। कैसा है, पसंद आया गाइस आपको? अगर आपको भी चाहिए तो मैं लिंक बायो में दे, इसमें कमेंट क्या बोलते हैं यार उसको, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, जाओ आप वहाँ से खरीद लो। और ये है सिस्का का ट्रिमर, जो काफ़ी दिनों से पापा को चाहिए था और मुझे भी चाहिए था, तो आ चुका है। अब पापा क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है आपको ये देख के, बोलो कुछ तो बोलो। बढ़िया लग रहा है। बढ़िया बस इतना ही बोलते हैं। करो हैप्पी बर्थडे टू यू। वो काट दिया ऐसे ऐसे निकाल दे, खींचो उसको, इसको देखो। ये लो पकड़ो, ये समथिंग 1800 का पड़ा मेरे को, एक यहाँ से खोले ना अभी। ये दो दो मेरे को कैची दो, काटो इसको, काट दो आप ही, काट दो आराम से, लग जाएगा। अरे यार क्या काट रहे हो आप पापा, ये पकड़ो तो करो शूट करो, हाथ आ रहा है आपका हाथ। हाँ फ्लिपकार्ट वालों ने पैकेजिंग अच्छी करके दिया, अच्छा लगा मेरे को। तो ये निकला ट्रिमर, भाई उल्टा निकाल दिया मैंने। ये आ चुका है अपना ट्रिमर, और इस ट्रिमर के अंदर है, सॉरी ट्रिमर के अंदर नहीं, ये प्लास्टिक के अंदर है ये ट्रिमर। ओके जिसकी बिल्ड क्वालिटी एकदम तगड़ी है, तो इस पर मैं एक मस्त सा वीडियो बना दूंगा,
तो अभी के लिए मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। आप जब ये मसाले को मिक्स करने के बाद पका लोगे ना एकदम अच्छे से, तो ये कुछ ऐसा लगता है। और अभी ये ठंडा हो चुका है और मम्मी ने फ्लेवर के लिए ना इसमें हरा धनिया भी ऐड किया है। तो हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको हम मिक्सर में डालेंगे और मिक्सर में ग्राइंड करने के बाद ये कुछ ऐसा बन के आएगा। तो आप देख सकते हो कि इसको एकदम अच्छे से मैश कर दिया गया है और ये नेक्स्ट लेवल है इसका। तो इसके बाद भी और भी प्रोसेस है, तो आप वेट करना इसके बाद क्या प्रोसेस होने वाला है उसके लिए। तो अभी मम्मी को ये पूरा मिक्स करने दो, फिर उसके बाद अपन आगे का बढ़ते हैं। चलो तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं एकदम फाइनल टच पे मसाले की, और अभी मम्मी ने वापस से इसको गर्म होने के लिए रख दिया और अभी मम्मी डाल रही है तेल। कितना स्पून तेल मम्मी इसको बोलेंगे? एक बड़ा टेबल स्पून। ओके, एक बड़ा टेबल स्पून तेल। ओके, और ये कोयला क्यों रखा है आपने ऐसा? पता चलेगा तेरे को बाद में। एक ये कुछ भी मत डालो मम्मी, कोयले से पेट वेट साफ हो जाएगा अपना। लोग दांत साफ करने के लिए यूज करते हैं ये। ओके, अब ये कश्मीरी मेथी आ गई यहाँ पे। कश्मीरी मेथी नहीं, कसूरी मेथी। सॉरी, कुछ गलत बोल रहे तो। कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, वो काजू आ गया था मम्मी से ना। तो अभी कस्तूरी मेथी को डाल दिया एकदम अच्छे से, और अभी मम्मी डाल रही है कुछ मसाले, जैसे कि ये हो गई हल्दी जो मुझे पता है अच्छे से, दो चम्मच हल्दी डाल दी। फिर डाल दिया 2 चम्मच कश्मीर की मिर्च, तो ये मतलब मिर्ची पाउडर बोलते हैं, तो ये 3 टेबल डाला है मम्मी ने। जिस ये मसाले तो आपको पता ही होंगे इतने सारे, मुझे सब तो नहीं पता बट ये लाल और येल्लो पता है। तो अभी मम्मी ने डाल दिया ये मसाला जो मिक्सी में जो मम्मी ने पीसा था ना उसे डाल दिया। तो इसको ना थोड़ा मतलब पकाना पड़ता है मसाले को आगे भी, ताकि अच्छा टेस्ट है, अच्छा फ्लेवर है और रेड कलर भी आ जाता है उसको। तो मम्मी आपने जो 3 टेबल स्पून ये जो डाला ये जो रेड कलर का, उससे तीखा नहीं होगा क्या? ये तीखी नहीं रहती है, इट इज़ फॉर कलर और ये इतनी तीखी नहीं रहती, तो आप डाल सकते हो। और अगर आपको तीखा पसंद है तो आप तीखा डाल सकते हो ये मसाले में। और ये मसाला इज़ नॉट फॉर ओनली नॉन वेज, आप इसको वेज में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मतलब ऑलराउंडर है ये मसाला, कहीं पे भी डालो आप, सही है, सही खाने में मज़ा ही आ जाएगा। तो अपना ये कोयला पता नहीं क्यों रखा है, मेरा ध्यान उसी पर जा रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है अभी। तो फिर अभी इसको थोड़ा सा पकने देते हैं अपन और फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं। तो लेट्स गो गाइस, अभी पकना है अच्छे से। एक ज़रूरी सूचना, अभी इसको समथिंग 2-3 मिनट हो गए मम्मी इसको पका रही है, तो आपको भी 2-3 मिनट तक इसको ऐसे ही हिलाते रहना है ताकि ये मिक्स हो अच्छे से और फ्लेवर्स इसमें एकदम अंदर तक घुस जाए, ताकि हम जब खाएं तो हमारे खाने के अंदर भी ये घुसना चाहिए एकदम प्रॉपर ना। तो अभी कोयले का राज खुलने वाला है, मेरे को भी पता चलेगा ये कोयले का राज क्या है। और आपको ना गैस बंद कर देना है, गैस बंद करके आपको ऑनियन का एक स्लाइस रख देना है, और फिर और क्या करना है, अभी वो कोयला रख रही है मेरी मम्मी, और मम्मी ने मेरे को बता दिया राज। ओके, तो आप भी जान लो कि क्या राज है इसका। कोयले को रखना है एकदम सेंटर पे, एकदम प्यार से रखना आपको, और फिर उसके बाद डालनी है 1 चम्मच घी, और ये धुआँ निकलना चालू हो गया। तो इससे क्या होगा ना, आपका जो मसाला है उसको तंदूरी का फ्लेवर आएगा, तो आप एकदम प्यार से इसको खा सकते हो जब भी वक्त मिले, और स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छा था स्मेल। ओके, और इसको 5 मिनट तक रखना है आपको ऐसे ही, और फिर नेक्स्ट जो आएगा इसका रेसिपी आएगा डायरेक्ट प्रॉन्स का। हमने ये रेसिपी आपको इसलिए दिखाई क्योंकि क्या है ना कि बाद में जब प्रॉन्स में ये मसाला डलेगा तो फिर क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन सा मसाला है या फिर क्या है, तो पहले मेन है, इसके बाद ही सारी चीज़ें बनती है। जैसे हर खाने में एक जान डालने वाली चीज़ होती है ना, तो ये है वो। तो फिर अभी प्रॉन्स की रेसिपी आएगी, वो शाम को आएगी, तो उससे पहले मुझे मेरा वर्कआउट करना है, तो फिर मैं जा रहा हूँ अभी वर्कआउट करने के लिए। तो व्लॉग देखते रहना, कंटिन्यू रहना और अच्छे से देखना, ये भी इंतज़ार कर रहा है खाने का। मैं चलता हूँ, चलो बाय कर दे इनको, चल बाय कर दे, हाथ ला तेरा।
तो ये रेसिपी का पार्ट है, ये आफ्टर वर्कआउट आएगा। तो अभी मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ आर्ट स्पेस। मैं एकदम नहा धो के एकदम तैयार हो गया, मैंने कपड़े वगैरह पहन लिए और अभी मैं जा रहा हूँ आर्ट स्पेस। तो वेट करो वर्कआउट का। और आर्ट स्पेस में आज एक शूट है तो वो भी मेरे को करना है, तो उसका भी मैं डाल दूंगा ब्लॉग के अंदर। तो चलो गाइस अभी आर्ट स्पेस जाता हूँ। आर्ट स्पेस तो आ गया, लेकिन यार एक सीन हो गया है कि लाइट नहीं है, और लाइट नहीं है तो शूट नहीं कर पाऊँगा अंधेरे में। और ऊपर से भरतनाट्यम का भी शो है तो उसका भी शूट करना है। भाई अलग ही सीन है यार, कितना स्ट्रगल करें हम। अब लाइट वाले को कॉल किया, यार इस पर ध्यान हो गया मैं लाइट वाले को कॉल किया, अब वो बोल रहे थोड़ी देर में आ जाएगी, बट अभी कितना टाइम लगता है। होप कि लाइट आ जाए और मेरा वर्कआउट भी हो जाए, क्योंकि वर्कआउट नहीं किया ना तो 75 हार जाऊँगा मैं, और मुझे नहीं चाहिए कि मैं हारूँ। तो अगर यहाँ पे लाइट नहीं आना तो मेरे को छत पे करना पड़ेगा, बट यार शूट का मेन है ना, तो शूट भी तो करना है। तो यार ये बच्चे लोग सूच लाते, बच्चे लोग दिमाग घूमता मेरा। हाँ चलो ठीक है, तो अभी लेट्स सी लाइट का क्या होता है, मैं जाता हूँ देखता हूँ। ओके चलो चलो। तो गाइस पावर कट के कारण यहाँ पे बहुत इशू हो गया है, और जो पेरेंट्स है ना दे आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू डांस। देखो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है इनकी यूनिटी देख के, आप देखना एक बार। गाइस द पेरेंट्स आर सपोर्टिंग चाइल्ड टू डांस, यार मतलब पूरा प्राइड फील हो रहा मुझे ये चीज़ देख के। नाइस, होप लाइट आ जाए यार। आर्ट स्पेस में पहली बार कुछ तो होने जा रहा है और लाइट नहीं है देख रहे हो, बदनसीबी देख रहे हो। गाइस डन विद द शूट एंड वर्कआउट, भाई मेरी शक्ल क्यों नहीं दिखी। ओके सो गाइस डन विद द शूट एंड वर्कआउट, और अभी चलते हैं अपना रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। ओके घर से तो फोन आ गया था, मैं उल्टा चल रहा हूँ। सो गाइस लेट्स गो। सो गाइस लेट्स गो। अभी हम लोग चालू कर दिया बनाना, और मम्मी ने ले लिया तेल, और लेट्स स्टार्ट विद सम ऑयल। अभी मम्मी ने ऑयल डाल दिया, मैं कितना ऑयल डालना फिर भी एक चम्मच डाला है। अच्छा एक बड़ा स्पून ऑयल डाला मम्मी ने अभी, उसको खाते ना इसकी वजह से हमने कम डाला है। यस यस भूल दिया था मैंने वो चीज। अभी प्याज एक छोटा प्याज डाला है काट के, छोटा वाला प्याज डाला मम्मी ने काट के एक चम्मच। इसको अभी बना रही है, और देखो मेन इंग्रेडिएंट वहाँ रखा है, प्रॉन्स। अपने प्रॉन्स बन रहे हैं, प्रॉन्स की ग्रेवी। तो गाइस इसका कलर है ना थोड़ा गोल्डन हो गया देखो, तो इसको तब तक आपको शेक करते रहना है जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। और अभी मम्मी डाल रही है, ये क्या डाल रहे हो? और क्या है उसमें? ओके तो मम्मी ने डाल दिया अदरक लहसुन और हरी धनिया की पेस्ट, जो कि आप बना सकते हो मिक्सर में। फिर अभी मम्मी ऐड करने जा रही है टमाटो, तो मस्त एकदम टमाटर डाल दिया। तो ये पकने तक आपको इसको फिर से हिलाते रहना है काफ़ी देर तक। मम्मी ने मसाले का डब्बा खोल लिया, कौन कौन से मसाले डाल रहे हैं? ओके हल्दी जाएगा एक टेबल स्पून हल्दी, एक टेबल स्पून। अच्छा तो दो टेबल स्पून ना, ध्यान रखना दो। ओके और ये कश्मीरी लाल मिर्च रेड कलर आने के लिए, और ये क्या है? ये धनिया पाउडर है, दो टेबल स्पून धनिया पाउडर, एक टेबल स्पून गरम मसाला, एक डेढ़ टेबल स्पून तीखा। उनको अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो जो ज़्यादा तीखा खाता है वो अपने हिसाब से तीखा वगैरह डाल लो, जो आप रोज़ जो करते हो ना चीज़ें, तो उस हिसाब से डाल लो। बट ये इन्ग्रीडियंट्स मेन है जो मतलब सब्जी में टेस्ट लाता है, तो ध्यान रखना वो चीज़ का। और अभी जा रहे अपने प्रॉन्स। ओह यार क्या लग रहे हो एकदम वाइट वाइट, तो प्रॉन्स लाओगे ना तो छील देना उनको अच्छे से, है ना?
साफ़ कर लेना और फिर उसके बाद डालना। तो मम्मी ने साफ़ कर दिए थे, ठीक आपको मिल जाएगा वीडियो वैसे साफ़ करने का, बट आता होगा तो कर लेना साफ। एंड देन अभी क्या बचा होंगे, अभी इस पे ना एक मिनट के लिए ढक्कन लगा दो, ढक्कन लगा के रख दो ताकि ना वो अंदर ही अंदर अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो गाइज आप देख सकते हो ऐसे ढक्कन पे ना पानी आ जाएगा, तो इसको पानी छूटने के बाद ना ये थोड़ा सा ऐसे पक जाएगा, पूरा नहीं पकेगा मतलब 30-40% ये पक चुका है अभी। और अभी मम्मी डाल रही है, क्या डाल रही है मम्मी, ये इमली का पानी। ओके तो ये इमली का पानी है, तो इससे ना आपके खाने में मिठास भी आती है और थोड़ा खट्टापन भी आता है, तो ये ज़रूरी है। और मछली में डालना अगर आप ज़रूरी है, हाँ अगर आप महाराष्ट्रियन डिश बना रहे हो तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप नॉनवेज में मतलब मछली खासकर मछली बना रहे हो तो ये चीज़ आप डाल सकते हो, और डाल सकते हो, जैसे डालना ही है तो फिर कैसे वो अच्छा टेस्ट करता है, टेस्ट भी आता है और उसका जो बदबू होता है ना। हाँ तो ये सुन लो ध्यान से, तो इससे ना टेस्ट भी आता है ये इमली के पानी से, और जो मछली का जो स्मेल होता है ना तो काफ़ी लोग को पसंद नहीं होता खाने में, तो इससे स्मेल भी चला जाता है। तो बहुत बढ़िया बात बताई मम्मी ने, सही है आपका नॉलेज कमाल का है। अभी वापस से इसको रखना है क्या? हाँ, वापस से 2 मिनट के लिए। अभी इसको 2 से 3 मिनट तक रखो, जब तक ये बॉईल नहीं होने लग जाता ना तब तक रखो। आप यहाँ पे खड़े रहना कड़े लेके, ताकि आप देख सको कि उबाल आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं ऐसे कुछ नहीं, कम गया। हाँ जो जो भी कुछ है आप ध्यान दो, अगर आप नए नए हो ना तो आप ये मस्त बना दोगे, आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे, ऐसे उंगलियाँ चाटेंगे ऐसे होने। आप अभी क्या धनिया डाल रहे हो? नहीं वो बाद में डालना। अच्छा तो बाद में डालना हो आप गार्निशिंग करने के लिए। तो मेन तो वो जो बनाया था ना मसाला वो मेन है, वो तो अभी बाकी है डालना, तो अभी उस पर भी आएंगे हम थोड़ी देर में। चलो तो गाइज आप देख सकते हो कि इसको ना ऐसे थोड़ा उबाल आ गया, बॉइल हो गया ये बहुत अच्छे से। ओके तो ये पक चुका है अच्छे से, अब मेन चीज़ डाली जा रही है उसके अंदर, वो है वो मसाला जो कि हमने बनाया था सुबह, तो अभी वो डलने जा रहा है, मतलब दोपहर को जो बनाया था वो वाला, तो अभी वो डल रहा है एकदम। कितना 3 चम्मच डाला हूँ मैं आपने? तो अगर आपको आपको ग्रेवी है ना वो कम चाहिए, मतलब आपको एकदम ऐसे थिक ग्रेवी चाहिए ना, तो फिर आप ज़्यादा डालना, और आपको ऐसे नॉर्मल सा ग्रेवी चाहिए तो आप 3 डाल सकते हो, और अगर आपको बहुत कम चाहिए तो 1 भी चल जाएगा, तो उस हिसाब से आप इसको ऐड ऑन करके। अब देखो ये थोड़ा थिक हो गया है और थोड़ा सा नॉर्मल भी है, तो अच्छा लग रहा है मस्त एकदम। अब इसको वापस से ढक देना, वापस से 1-2 मिनट तक रखना, तो इसको वापस से ढक के 2 मिनट तक रखना है, फिर आपका 100% रेडी हो जाएगा। सो गाइस अभी ये पक चुका है और आखिर में डाला जाएगा नमक, तो जितना आपके अकॉर्डिंग लगता है कि नमक प्रेफर करते हो उतना डालो, और फिर हो जाएगा रेडी अपना मस्त प्रॉन्स का ग्रेवी। और थोड़ा सा धनिया डाल दिया मम्मी ने, तो अभी इसको जब परोसा जाएगा तो उसके बाद इसका फाइनल लुक आपको मैं दिखाता हूँ एकदम तगड़ा वाला। तो नमक हो गया, धनिया हो गया, गार्निशिंग एकदम हो गई है, एकदम फर्स्ट क्लास बन चुका है, खुशबू भी बहुत तगड़ी आ रही है। तो इस रेसिपी के लिए कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब, और भी रेसिपीज़ के लिए जितना मेरे को लगेगा मतलब इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा मेरे को कि आपको कितना पसंद आया ये वीडियो। सो गाइज अपनी प्रॉन की ग्रेवी बन चुकी है, हो गई है रेडी, और आप देख लो इसका फाइनल लुकआउट, बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप इसको खा के देखना घर तो बना के, और भी तगड़ा लगेगा। तो चलो अभी 75 हार्ड कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो। सो गाइज कैसा लगा आपको रेसिपी का ब्लॉग, और मैंने मेरी मम्मी को मनाया कि वो करे ये सारी चीज़ें, बिकॉज मेरी मम्मी में एक अच्छी क्वालिटी है खाना बनाने की। तो अगर आप इस व्लॉग को शेयर करते हो तो उतना ही हम लोगों से जुड़ पाएंगे और उतना ही कनेक्ट हो पाएंगे, ताकि कैसा हो कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है मेरे मम्मी के अंदर कि हाँ वो कर सकती है।
तो होपफुली आपको रेसिपी का ब्लॉग तो पसंद आया होगा। और बात करते 75 हार्ड की, तो मैं अभी अपने पीसी में भगवद गीता पढ़ने जा रहा हूँ। और कैसा है कि मैं बुक को तो हाथ नहीं लगा सकता बिकॉज मेरे घर पे दिन में दो, मतलब कभी कभी मैं अल्टरनेट डेज मेरे घर पे चिकन या फिर कुछ ना कुछ बनता रहता है, तो मैंने बुक को हाथ लगाना छोड़ दिया, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें। तो मैं ट्राई करूँगा कि भगवद गीता मैं पीसी में पढ़ना चालू कर दूँ। और मैं तो फ़ोन में पढ़ता था तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाता था, अब पीसी में पढ़ूँगा तो रिकॉर्ड भी कर पाऊँगा और उतना ही अच्छा कनेक्शन बनेगा। क्योंकि कैसा होता है कि लगता है कि यार ये पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, तो वो सारी चीज़ें आती है दिमाग में। तो चलो फिर अभी भगवद गीता पढ़ते हैं और खाना खाने के बाद मैं ब्लॉग को ख़त्म कर देता हूँ। तो लेट्स गो, अपना पांचवा रूल है भगवद गीता पढ़ना। और पानी का इंटेक की बात करूँ तो पानी का इंटेक अपना चालू है, मैं उसके भी ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाता क्योंकि इतना ध्यान में नहीं आता कि कुछ करूँ या मतलब कैसे मतलब ले लूँ फटाक से, तो दिमाग में तो नहीं आता ये सारी चीज़ें। बट डेली व्लॉगिंग बोला है तो हर चीज़ तो कर लेता हूँ मैं। तो लेट्स गो, अभी मैं पढ़ लेता हूँ भगवद गीता। तो गाइस, रिटर्न भागवत गीता अपने सामने आ चुकी है, तो ये रही पूरी भागवत गीता, अब मैं इसे पढ़ने बैठता हूँ। तो लेट्स गो, अभी पढ़ते इसको। सो इसी के साथ आज का 75 हार्ड चैलेंज होता है ख़त्म। और ऐसी व्लॉग्स के लिए करो सब्सक्राइब चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि रोज़ व्लॉग्स आ रहे हैं मेरे, आपको तो पता ही होगा आप रोज़ देख रहे हो। तो लेट्स गो गाइस, कल मिलते हैं आपको डे 17 पे। चलो।